अमेठी से बड़ी खबर, मछली पकड़ने गए युवकों की हुई मौत। 3 युवकों को ग्रेडर वाहन ने रौंदा, हादसे में 2 की हुई मौत। 1 युवक हुआ गंभीर रूप से घायल। पुआल डालकर सड़क किनारे सो रहे थे सभी, तेज रफ्तार गाड़ी ने युवकों को कुचल दिया। मामले की जानकारी पर पहुंची पुलिस, लाशों को भेजा गया पोस्टमार्टम के लिए। घायल युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बाजार शुक्ल थाना क्षेत्र के पूरे पासिन मजरे हुसैनपुर का है मामला। अमेठी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां थाना बाजार शुक्ल क्षेत्र के पूरे पासिन मजरे हुसैनपुर के पास देर रात तालाब में मछली पकड़ने गए 3 युवकों को ग्रेडर वाहन ने रौंद दिया, जिससे मौके पर ही 2 की मौत हो गई, जबकि 1 युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। दरअसल सभी पुआल डालकर सड़क किनारे सो रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी वहां से गुजरी। अंधेरा होने की वजह से ड्राइवर को समझ नहीं पाया और उसने युवकों पर गाड़ी चढ़ा दी। फिलहाल मामले की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करा दिया है और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। रात में 3:30 बजे के आसपास गांव पूरे पासिन मौजा हुसैनपुर थाना बाजार शुक्ल के रामचंद्र और कुलदीप 2 बच्चे थे जो मछली मारने के उद्देश्य से यहाँ पे आए थे और एक गाड़ी आ रही थी। रात में इन्हें नींद आई सुबह के टाइम 3:30 बजे के आसपास और ये लेट गए थे और ऊपर से पुआल पड़ा हुआ था, गाड़ी वाला समझ नहीं पाया, इनके ऊपर गाड़ी चढ़ गई, ऑन स्पॉट दोनों एक्सपायर कर गए। सूचना मिलने पर बाजार शुक्ल पुलिस आई और इनके पीएम के लिए गाड़ी भेज चुकी है।